हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, आज है 12 तारीख और जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे इंडियन नेवी AMR के लिए, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो अभी आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं मैं कि इंडियन नेवी AMR के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। मेरे कैंडिडेट ने मुझे भेजा है अपना एडमिट कार्ड, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे के बाद ही जो है एडमिट कार्ड को अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे। तो ये बहुत अच्छा किया इंडियन नेवी वालों ने, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारे कैंडिडेट्स आराम से डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आप जो लॉगिन देख रहे हो, ये जो लॉगिन वाला है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्टेड चले जाओगे नेक्स्ट वेबसाइट के नेक्स्ट पेज पे। पेज पे जाने के बाद वहाँ पे अपनी आईडी डालना होगा। देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से आपको आना होगा यहाँ लॉगिन पे, यहाँ पे अपनी आईडी पुट करना होगा और उसके बाद ये कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करते ही आप चले जाओगे डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से कि आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड को। तो आराम से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप भूल चुके हो अपना पासवर्ड, तो आप जो पासवर्ड है उसको रीसेट भी कर सकते हो। रीसेट करने के बाद देन फिर अपना नया पासवर्ड डाल करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक बार एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ जो मेरे कैंडिडेट ने भेजा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो गाइज यही है उनका एडमिट कार्ड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एडमिट कार्ड मैट्रिक रिक्रूट अप्रैल 2020 बैच, और सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। रोशन कुमार नाम है, तो रोशन भाई को दिल से थैंक यू, धन्यवाद भाई जो आपने मुझे भेजा ताकि मैं और लोगों की मदद कर सका और ये वीडियो बना सका। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आपको। अब देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, इनका एग्ज़ाम कब है और ये सब चीज़ें, बाकी जो इनको क्या क्या करना होगा और क्या क्या है। प्लीज़ रीड दी फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना इसमें जो भी लिखा है, वरना फिर मैं पढ़ के बता दूंगा क्या क्या है। और ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 50, साइंस और मैथमेटिक्स 25, जनरल अवेयरनेस 25, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग एडेड है। बस ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें। और एग्ज़ाम के लिए आपको बताया गया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कैसे होता है, तो आप लोग उसको देख सकते हो, उस वीडियो को जा करके, और वहाँ से सारी डिटेल्स को देख सकते हो कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या करना होता है आपको, क्या नहीं करना होता है। तो जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखना ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चल सके। तो ये थे अभी के लिए शॉर्ट अपडेट। आप सभी लोग जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, और जिनका डाउनलोड ना हो वो थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद ट्राई करना, धीरे धीरे सबका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है और इंडियन नेवी ने ये इतने टाइम पहले देके बहुत ही अच्छा किया है कि सभी लोग धीरे धीरे भी डाउनलोड कर लेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग जब भी प्रिंट आउट निकालना, तो अपना कलर प्रिंट आउट ही निकालना, ठीक है, ना कि ब्लैक एंड वाइट। मैं इतना सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आईडी आपकी स्क्रीन पर है, और ईबुक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।